चार साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, पंच ककार केस कंगा किरपान कड़ा किशारा, पंज प्यारे भाई दियार सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मुखम सिंह जी, भाई साहब सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, दस गुरु साहबान के नाम पहली पातशाह श्री गुरु नानक देव जी, दूजी पातशाह श्री गुरु अंगद देव जी, तीजी पातशाह श्री गुरु अमरदास जी, चौथी पातशाह श्री गुरु रामदास जी, पंजवीं पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी, छेवीं पातशाह श्री गुरु हर राय जी, अठवीं पातशाह सतवीं पातशाह श्री गुरु हर राय जी, अठवीं पातशाह श्री गुरु हर कृष्ण जी, नौवीं पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी, दसवीं पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, सूबे की कचहरी। हूँ दसो दरबार में बैठे काजी और वजीर हो कि मुगलिया सख्तक इन्ना बाग्य बारे तो हाड़ी की राय है। खान साहब हूँ तो सब दी राय इको हो सकती है, सप दे बच्चे सापी हुंदे ने सुचानंद जुबान लगान दे, मजलूमा दे ओ दोस्त ने निक्की उन्हां दी पहचान है। सिर झुका के आदर कर गुरु गोबिंद सिंह जी उन्हां दा नाम है शुकर कर, असी थोड़े कह दिया नहीं तो सौ गुरु पिता दी हुण तक तेरा सिर मोढ़िया तो डिग होना चाहिदा सी। बस मैं हो कुछ नहीं सुनना चाहता, बागी गुरु दे बागी बच्चे साडा धर्म कबूल करो, जा बहरामी नाल मरली तैयार हो जाओ, पहला मन कबूल जीवन की छड़ आस हो सबना रेन का तो आओ हमारे पास, काजी साहब फतवा मेरा फतवा तैयार खान साहब इन्ना नु जिंदा दीवार विच चिन्ह दिता जावे जारू खालसा। विसाखी वाले दिन संगत अज खड़ के गुरु दशमेश बोले तेग फड़ के, सजना में अज है जुजारू खालसा, शेरा वांगू जिंदगी गुजारू खालसा, शेरा वांगू जिंदगी गुजारू खालसा। जात पाती ऊंच नीच नहीं ओ मनेगा, जात अवमानी आदि तोन पन्नेगा, ना ही डरू ना ही दबे मारू खालसा, शेरा वांगू जिंदगी, शेरा वांगू जिंदगी गुजारू खालसा, शेरा वांगू जिंदगी गुजारू खालसा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बुले सोने हार, चांद श्री अकाल। मैं वीर जी, मेरा नाम सतेंद्र कौर है, गुड़िया का नाम गुरु नूर कौर। वीर जी ना सवा दो साल दी जदों दा बाणी दा कंठ करन लगी सी जी। हाँ जी, इन्नू शुरू तो ही बड़ा लगाव सी भी मैं गुरबाणी कंठ करा जी। ते आप मैनू कहंदी सी मम्मा मैनू होर ते होर सिखाओ, बस एक समय की कमी कारण सिर्फ इन्नी की मेरी कोशिश हुई है। मैं गां तो वध कोशिश करा कि बच्चे नू होर गुरबाणी सिखाई जाए। अच्छा भैन, मेरे इन्हों किन्ने साल तो सिखाने लग गए सी? वीर जी तुम यकीन नहीं करना, सवा दो साल दी जदों दा गुरबाणी दा कंठ करदी पई जी। ते पढ़ाई कर रही है ना, केड़ी क्लास च जी? जी यू के जी जी। ते पिंड दे भी जिद्दां प्रोग्राम हुंदे ने गुरुद्वारा साहिब दे विच, उत्थे भी सन्मान मिलदे होणगे इन तां फिर है ना जी? हाँ जी वीर जी, हले मतलब कि एक साल ही होया वा, एक साल च इन्हें प्रूफ करके दसा जाने कि एक साल जो तुम प्राइज दे ही सकते हो, भी एक साल च इन्हें किन्ने प्राइज ले गए। हले गांह तो साड़ी कोशिश होगी भी गांह कितने होर भी जिते उपराले होंगे आप गुड़िया जरूर लैके जावे। नाल दी नाल कीर्तन भी सिखाएंगे? हाँ जी हाँ जी वीर जी, वध तो वध जिनी कोशिश होगी ना उन्नी करांगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जपजी साहिब एक ओंकार, सतनाम करता पुरख, निरपौ निरवैल अकाल मूरख, अजूनी सब अंग प्रसाद, जप आ सत जुगा सच हैप्पी सच, नानक होसी पी सच, सोचा सोच ना होवई, जे सोची लखवार छुपै चुप ना होवई, जे लाए रानी ताल क्या भुख ना उतरी, जे बन्ना प्रिया पाल सह स्याण पाला कोए, ताई कना चले नाल कि सच्चा राह
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਸਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਜੋ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਜਾਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪਾਠ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਣਾਉਣੇ, ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਣਾਉਣੇ, ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਣਾਉਣੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਵਰਦਾਨ ਜੀ ਵੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਦਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਸੁਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 10-20 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਪਰਾਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ 10-15 ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਸਜਾਵਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੋਗਾਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਆਉਣਾ ਸਵੇਰੇ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਾਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ,
जे बच्चे बचावांगे इस इन्हां दा अई कोई अगे वास्ते अपने विरसे दे नाल जोड़ के रखांगे ते अपना सिख कौम बचेगी। अजकल दे बच्चे सिंह साहब दे ज्यादातर मावां उन्हां नाल जोड़ रहे ने ते होर कमां वल ध्यान दे जांदे ने बच्चे वल ध्यान दे उन्हां बारे कोई स्नेह उन्हां नूं वेखो जी इहो स्नेह हाथ जोड़ के आ भैन जी उन्हां ने दस्या जी शुरू तो जिदे मन दे विच बच्चे दे मन दे विच गुरु बारे इन्हां दस्या भी साडे आ गुरुआं दे नाम ने जी दस गुरु ने पांच प्यारे ने बच्ची नूं मां ने दस्या चार साहबजादे ने इन्हां ने साडे वास्ते की कीता ये दस्या तां ही गुड्डी नूं पता ना सिर्फी सरहंद दी सूबे सरहंद दी तूं जिहड़ी सुनी है जे आपां बच्चे नूं ये कहांगे भी पुत तूं कोई नहीं भी मैनूं ना सताए ते मैं मोबाइल ते ये गेम खेड ले ते बच्चे ने उही करना जो फोन ते दस्या जांदा हाथ जोड़ के बेनती है भी यही ये नहीं कहिंदे भी बच्चे नूं मोबाइल ना दिओ पर बच्चे नूं मोबाइल दे उत्ते अपने गुरुआं बारे दसो जो कुछ हैगा हर एक चीज़ नैट ते मौजूद है जी ये नहीं भी बच्चे नूं गेमां खिडाओ हाथ जोड़ के बेनती है कि बच्चे नूं पढ़ाई दे नाल अपने इतिहास दे नाल जोड़ो मोबाइल दो पर गुरु महाराज की जो भी साड़ी सिख इतिहास चीज़ा ने वो विखा लो फोन से जबकि ये नहीं भी तुम भी अपना वक्रा मोबाइल रखो तो बच्चे ने कोई वक्रा दो भी तुम डिस्टर्ब ना करे क्योंकि बीबिया ने नाटक भी वेखने होंगे ने गल चुभेगी जरूर पर ये उदों बच्चों बीबिया ने वेखना होंगे जो नाटक के मशहूरी होती ठीक है इस करके बेनती है कि बच्चे कोल बिठा लो ये नाटक ने साथ नहीं देना ये बच्चे ने जो ती गोदी च बिठा के जो माता गुजर का उन्हें छोटे साहबजादे दस्या ही ना अपने इतिहास बारे तो अज साडे इतिहास में रही दुनिया तक याद रहना भी दादी के सिखाए जड़े ने नौ साल के ते सात साल के बच्चे च गुण आए ही तो आप दिया जो कुर्बानियां ने उ दस लीए तो आप अपने बच्चे बचा लेंगे।